यार ये कुत्ता भौंक रहा है मदर चोद, इसकी वजह से मैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं। अगर ये सिंपल एक स्ट्रक्चर जब बिल्ड कर देते हो ना, वो इंसान कभी खुद पे रिलाई करना ही नहीं सीख पाता। इससे क्या होगा भाई, अगर कुछ ना हो रहा, प्रॉब्लम ऐसी कुछ है जिससे वो माँ बाप से कंसल्ट नहीं कर सकता, तो वो दुनिया में अगल बगल लोगों से कंसल्ट कर रहा है। उसके पास खुद की कोई पावर ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है कि अपने प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर पाए, क्योंकि उसके अंदर वो कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं ग्रो हो पाया, क्योंकि उसने लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करी कि मैं खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता हूँ। 2020 के आसपास जब मैं YouTube चला रहा था तो मेरे सामने ये वीडियो आई एंड आई वॉच्ड दैट वीडियो एंड आई वाज लाइक भैया ये लौंडा तो बहुत खतरनाक है। एंड देन मैं श्वेताब की वीडियोस को लेकर के ऑब्सेस्ड हो गया। मैं उसकी सारी वीडियोस देखने लगा क्योंकि फ्री का पर्सपेक्टिव जो मिल रहा था, और मुझे लगने लगा कि यार मैं कितना स्मार्ट हूँ, मुझे सब पता है। एंड जहां तक मुझे लगता है ये आपके साथ भी हुआ होगा, बट हियर इज अ प्रॉब्लम। डू यू रियली नो हाउ टू थिंक, या तुम सिर्फ अंधे होकर के उसे फॉलो कर रहे हो? तो इस वीडियो में हम उसकी बुक द रूडेस्ट बुक एवर से पता लगाने वाले हैं कि श्वेताब के वो कौन से सीक्रेट ट्रेट्स हैं जो उसे इतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। वेल, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो एक प्रोडक्ट की तरीके के होते हैं, एक प्रोडक्ट जिससे कुछ होप्स जुड़ी होती हैं कि ये जब बड़ा होगा तो ये इतना कैपेबल हो जाएगा कि कौन सा करियर चूज करना है, कौन सा पार्टनर चूज करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसको समझने के कैपेबल हो जाएगा। लेकिन 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 जब ये प्रोडक्ट यानी कि ये बच्चा यानी मैं और आप जब छोटे होते हैं तो हमारा नेचर इमोशनल होता है और हमें पता भी नहीं होता कि चीज़ें सीखते कैसे हैं। तो बेसिकली हम चीज़ें एब्जॉर्व करना शुरू कर देते हैं अपने सराउंडिंग से, यानी अपने पेरेंट्स और टीचर से। और ये पेरेंट्स और टीचर हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे सोचना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि क्या सोचना है। ओह, अब तुम्हें लग रहा होगा कि कैसे सोचना है ये क्या होता है, इसके बीच में क्या फर्क है? नाउ तो मान लो एक लड़का ए है जिसे कैसे सोचना है सिखाया गया है और एक लड़का बी है जिसे क्या सोचना है सिखाया गया है। तो जो बी होगा वो सारी आइडियाज, आइडियोलॉजीज, पर्सपेक्टिव को अंधा होकर के फॉलो करेगा, लेकिन जो ए होगा वो इन सारी चीजों को क्वेश्चन करेगा, फिल्टर करेगा। जो बी होगा यानी कि जिसे सिखाया गया है कि क्या सोचना है, अगर उसके सामने कोई नई आइडियाज, नया पर्सपेक्टिव रख दिया जाए, कोई नई आइडियोलॉजी रख दी जाए, तो वो डर जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ए होगा वो हमेशा नई आइडियाज, नई आइडियोलॉजी को लेकर के क्यूरियस रहेगा, वो जानना चाहेगा। एंड देयर इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट व्हिच इज सेल्फ रिलायंस। नाउ जो बी होगा यानी कि जो व्हाट टू थिंक वाला बंदा होगा, जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो वो उसे खुद से नहीं सॉल्व कर पाएगा, वो दूसरों की तरफ भागेगा, दूसरों से हेल्प लेगा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेगा, बेसिकली वो ऑनलाइन गुरुओं के चरणों में जा गिरेगा। लेकिन जो ए होगा वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, वो खुद की प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना सीखेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पेरेंट्स को जीनियस होना चाहिए, उन्हें हमें सारी चीजें सिखानी चाहिए? नहीं, और वो जीनियस हो भी नहीं सकते, लेकिन वो एक अच्छे एक्टर जरूर होते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि पेरेंटिंग का उद्देश्य क्या है, पेरेंटिंग का मकसद क्या है। तो कई बार वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि एक पेरेंट्स को सब पता होना चाहिए तो एक जीनियस पेरेंट्स की तरह एक्ट करने लगता है। अगर हमारे पेरेंट्स को लगता है कि एक पेरेंट जो होता है वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखता है तो वो रूड बन जाते हैं, और हम नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी उन्हें दे देते हैं। हम समझते हैं ये तो बड़े हैं, ये तो बूढ़े हैं, इन्हें तो सब पता होगा। पर श्वेताब गंगवार कहते हैं कि बूढ़े लोग वो बच्चे हैं जिनकी सिर्फ उम्र ज्यादा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, श्वेताब गंगवार स्पेशलनेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि यू वांट टू बी स्पेशल। अब देखो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, तुम भी स्पेशल बनना चाहते हो, मैं भी स्पेशल बनना चाहता हूं, पर अलग अलग लोगों के लिए स्पेशलनेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कभी किसी ने तुम्हारे गालों की तरफ देखा और बोला हो वाओ कितने गुलाबी गाल हैं, और तुम्हें बहुत स्पेशल फील हुआ हो। बट ये स्पेशलनेस नहीं है, ये अप्रूवल है। स्पेशलनेस क्या होती है? लेट से तुमने कभी अपनी लाइफ में कोई छोटा सा गोल सेट किया हो, देन तुमने उसे अचीव किया हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ आया हो और तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में पता चला हो, इस चीज को स्पेशलनेस बोलते हैं। यहाँ पर तुम किसी से अप्रूवल नहीं ले रहे हो। फाइंडिंग लव कैन बी अ पेन इन द एस। इस चैप्टर में हम रिजेक्शन, फैंटेसी और लव के बारे में बात करने वाले हैं। मान लो आप 15 साल के हो, आप पहली बार प्यार की खोज में निकलते हो और आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, विच इज वेरी नॉर्मल। तो वहां पर आप तीन कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। एक कि मेरे में कोई कमी है, मैं गरीब हूँ, मैं खराब दिखता हूँ, मैं कूल नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, आप सिस्टम को दोष दोगे कि प्यार बहुत बड़ा चूतियापा है, मुझे नहीं लगता कि प्यार करना चाहिए, फीलिंग्स बहुत खराब चीज होती हैं। थर्ड, तुम अपोजिट जेंडर को दोष देने लगोगे, तुम कहोगे लड़कियां बुरी होती हैं, लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, या लड़के सिर्फ सेक्स के पीछे भागते हैं। सो दीज आर द कंक्लूजंस दैट वी ड्रॉ। तो यहां पर ये तीनों पॉइंट ही गलत है। हमें सिंपली ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम अपने टीन एज में बहुत स्टूपिड होते हैं। नाउ हम इस स्टूपिडिटी को किल करने वाले हैं। ये बेवकूफ़ी हमें रोज अच्छे अच्छे पैकेटों में बेची जाती है, टीवी से, टीवी शो से, सीरियल से। तो वो हमें एक फैंटेसी बेचते हैं और हम उस फैंटेसी को पागलों की तरह फॉलो कर लेते हैं। मान लो तुम लड़का हो तो तुम ऐसी लड़की ढूंढोगे जैसे कि तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर के पास है। तुम सोचो कि जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी उसके लंबे लंबे बाल होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बातें कर लेगी, वो बहुत स्मार्ट होगी।
और या फिर अगर तुम लड़की हो तो तुम सोचो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो होगा वो बहुत कूल होगा, बहुत अमीर होगा। और जब तुम रियल लाइफ में जाते हो, किसी को डेट करते हो और तुम्हारा सच्चाई से सामना होता है, तो फिर तुम सामने वाले को या खुद को या सिस्टम को कोसना शुरू कर देते हो। नाउ तो हम कैसे सही पार्टनर को चूज कर सकते हैं? तो अगर तुम्हें लाइफ में सही पार्टनर चूज करना है ना, पहले सेल्फ अवेयर बनना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा तुम सेल्फ अवेयर बनते जाओगे, उतना ज्यादा तुम बेहतर चॉइसेस बना पाओगे, और फिर चाहे पार्टनर हो, चाहे करियर हो, चाहे जो चीज हो, तुम अच्छे तरीके से चूज कर पाओगे कि मेरे लिए कौन सी चीज बेहतर है। हैप्पीनेस वर्सेस सेटिस्फिकेशन। लिसन, ये वीडियो देखने के बाद ना तुम बाहर जाना अपने दोस्तों के पास या अपनी फैमिली में, और उनसे पूछना कि जो तुम करियर चूज कर रहे हो, जो तुम पार्टनर चूज कर रहे हो, उसके पीछे का मोटिव क्या है। तो वो कहेंगे जो चीज मुझे खुशियां दे। सो बेसिकली ये हेडोनिज्म की फिलॉसफी है, जिसमें लोग बात करते हैं कि लाइफ में अगर कोई पर्पस नहीं है तो हमें हैप्पीनेस का पीछा करना चाहिए। सो द प्रॉब्लम विद हेडोनिज्म इज दैट कि हमें नहीं पता कि हमें कौन सी चीज कितने टाइम के लिए हैप्पीनेस देने वाली है। लेट्स से मान लो तुम्हें गांजा फूकने में बड़ा मजा आती है, या तुम्हें सेक्स और शॉपिंग करने में परमानंद की प्राप्ति होती है। तो अगर हम हैप्पीनेस के पीछे भागेंगे तो हम उस बंदर की तरह बन जाएंगे जो अपनी पूरी जिंदगी एक डाल से दूसरी डाल पे कूदते हुए गुजार देता है और उसे कभी शांति नहीं मिलती। नाउ सेटिस्फिकेशन हैप्पीनेस से बहुत अलग है। सेटिस्फिकेशन मींस हैविंग पर्पस एंड मीनिंग इन योर लाइफ। जहां तुम हैप्पीनेस को ओवर वैल्यू नहीं दो, जहां तुम्हें पता है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में क्या चीजें सेल्फ सेटिस्फिकेशन देने वाली है, एंड फिर चाहे तुम थोड़ी देर के लिए सैड रहो या थोड़ी देर के लिए खुश रहो, पर तुम हमेशा खुद के साथ पीसफुल रहते हो। नाउ हाउ टू थिंक। पॉइंट नंबर वन इज डेटा इज किंग। कभी भी किसी चीज को जज करने से पहले तुम्हारे पास उस चीज को लेकर के अवेलेबल डेटा या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लो तुम्हें एक पार्टनर चूज करना है, तो तुम्हें उस पार्टनर को लेकर के तुम्हारे पास अवेलेबल डेटा होना चाहिए। वो क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो क्या करता है, उसके एक्शंस रियल डेटा है। और थिंकर बनने का मकसद ये नहीं होता कि तुम एक पॉइंट पर जाकर के रुक जाते हो। थिंकर बनने का मकसद ये होता है कि जितना ज़्यादा डेटा, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम कलेक्ट करते रहोगे, उतनी ज़्यादा थिंकिंग तुम्हारी इवॉल्व होती जाएगी। तो डेटा पर रिलाई करो, फैंटेसीज पर नहीं। फर्स्ट इम्प्रेशंस और हॉर्श शिट। यू नो व्हाट, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अरे भैया, पहली नज़र में सिर्फ हवस भड़कती है, प्यार नहीं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि दुनिया हमारे जैसी होती है। यानी अगर हम नाइस हैं तो हमें लगेगा कि पूरी दुनिया ही नाइस है, जो कि बहुत गलत बात है। फर्स्ट इंप्रेशन में हमें सामने वाले को लेकर के हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो उस पॉइंट पर डिसीजंस लेना बिल्कुल गलत हो सकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन पर रिलाई करना छोड़ो। जब तक तुम्हारे पास ज़्यादा डेटा ना हो, सामने वाले को जज मत करो। पॉइंट नंबर थ्री इज़ पीपल आर वियर्ड। वेल, अगर तुम लोगों या चीज़ों को जज करने का अपना फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये बना लेते हो कि लोग अजीब होते हैं, हम अजीब होते हैं, तो उसी टाइम तो लोगों को फालतू जज करना या बेकार में ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।